उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी है। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले 9 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। इसी के साथ प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि पिछले 7 दिन में राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं संक्रमण दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 814 नए मामले मिले हैं। साल के पहले दिन राज्य में संक्रमण दर 1% से कम 0.78% था, जबकि अब संक्रमण दर 5.59% पहुँच गया है। बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लगभग 74 करोड़ 32 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 41 करोड़ 45 लाख रुपए के शिलान्यास एवं 32 करोड़ 87 लाख रुपए की योजनाओं के लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट एवं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मोबाइल टैबलेट प्रदान किए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार में जनहित में अनेक कार्य हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के मामले में बाजी मार ली है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 24 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री से मैदान में उतारा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली को काशीपुर का उम्मीदवार बनाया गया है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। हरीश रावत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे घंटे रुक जाते तो कौन सा बम फूट जाता। उनके इस बयान पर भाजपा हमलावर है। हालांकि पूर्व सीएम ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में वन कर्मचारी संयुक्त समिति के सदस्यों ने भेंट की। कर्मचारी संयुक्त समिति के सदस्यों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री धामी द्वारा समिति के सदस्यों की समस्या के समाधान का आश्वासन दिए जाने पर प्रतिनिधिमंडल ने हड़ताल कार्यक्रम को वापस ले लिया है। डीडीहाट विधानसभा से 3 बार विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल दत्त ओझा का निधन हो गया है। इससे जनपद में शोक की लहर है। नगर के बैंक रोड स्थित आवास में पूर्व विधायक ओझा ने 90 वर्ष की अवस्था में आखिरी सांस ली। शुक्रवार को रामेश्वर घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके पुत्र मनोज ओझा और अशोक ओझा ने उन्हें मुखाग्नि दी। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।